बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हमने उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट करना है। हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हमें ये बताना है कि मैथ्स क्या होता है। मैथ्स बेसिकली मैथ्स जो है गेम है, गेम की तरह का है। ये गेम है नंबर्स का। जैसे हम डिफरेंट गेम्स खेलते हैं तो उनमें हम डिफरेंट गेम्स होती हैं, उनको खेलते हैं। जब आप माइंड में ये कॉन्सेप्ट रखेंगे कि मैथ एक गेम है, तो वो आपको डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेशन। पेज नंबर है हमारे पास 79 और 80 पर ये क्वेश्चन है। मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है, इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप्स वगैरह। हमेशा सबसे पहले ये बताना है कि मल्टीप्लिकेशन हमेशा राइट साइड से यानी दाएं तरफ से स्टार्ट करते हैं। पहले ये है कि मल्टीप्लिकेशन हमेशा दाएं तरफ से शुरू करते हैं और राइट साइड से। ऊपर भी दो डिजिट हैं, नीचे भी दो डिजिट हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए एक और चीज़ ज़रूरी है कि आप लोगों को टेबल्स अच्छे से आते हों, फिंगर टिप पे टेबल्स अच्छे से आते हों। टेबल्स आते होंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। मल्टीप्लिकेशन हमने पहले स्टार्ट करनी है। हमारे पास है 52 मल्टीप्लाई बाई 80। इसका क्या है हमारे पास प्रोसीजर कि पहले आपने क्या करना है कि ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो को पहले टू से मल्टीप्लाई करना है। पहले हम सिर्फ ज़ीरो को लेके चलेंगे, ज़ीरो को पहले टू से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट पे पहले हम ज़ीरो को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ज़ीरो को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड पे। अब हमने क्या करना है, ज़ीरो को टू से मल्टीप्लाई, ज़ीरो का टेबल टू तक पढ़ें, ज़ीरो टू द ज़ीरो। अब ज़ीरो का ये फर्स्ट स्टेप हमारा ख़त्म हो गया है, फर्स्ट स्टेप हमारा ख़त्म हो चुका है। अब ज़ीरो का टेबल फाइव तक आपने पढ़ना है, ज़ीरो फाइव द ज़ीरो। तो आपने ये जो ज़ीरो टू द किया था वो उसके नीचे ही वैल्यू राइट करनी है। अब जो ज़ीरो फाइव द आपने करना है वो भी उसके नीचे ही, ज़ीरो फाइव द ज़ीरो राइट करना है आपने। अब हमारे पास ज़ीरो वाला ख़त्म हो चुका है, यानी हमने ज़ीरो को मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों वैल्यूज़ के साथ। अब हमने लेके चलना है एट को। अब हमने एट को लेके चलना है, ज़ीरो तो ख़त्म, ये हो गया। अब एट को पहले हमने टू से मल्टीप्लाई करना है। एट को हमने पहले टू से मल्टीप्लाई करना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जब दो या दो से ज़्यादा डिजिट्स से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हमने क्या करना है कि पहले वाले के नीचे आप लोगों ने क्रॉस कर देना है। जो दूसरा होगा आप वहाँ से हमने स्टार्ट लेना है, फिर इस तरफ जाएंगे, ठीक है। अब हमने पहले एट को टू से मल्टीप्लाई कर देना है। एट को, अब एट वाले डिजिट को लेके चल रहे हैं तो पहले एट को टू से, एट टू द क्या होता है हमारे पास, एट टू द 16। अब 16 जो होता है, दो वैल्यू जो होती हैं उसके, यदि 16 है तो इसके जो राइट साइड पे जो पार्ट होता है वो हमने इसके नीचे राइट करना होता है। राइट साइड का जो पार्ट होता है वो हमने इसके नीचे राइट करना है, यानी 6 नीचे आ जाएगा। और जो दूसरा है हमारे पास लेफ्ट साइड वाला पार्ट है यानी 1, वो हमने अब नेक्स्ट के ऊपर कैरी ले जाना है, यानी 5 के ऊपर, 1 को 5 के ऊपर कैरी ले जाना है। 16 था, 8 टू था 16, 16 के ये दो वैल्यूज़ हैं, इसलिए 16 के जो राइट साइड वाला डिजिट है यानी 6, उसको हमने उसके नीचे राइट करना है। और फिर जो नेक्स्ट वाला यानी लेफ्ट साइड वाला जो 1 है डिजिट, वो अगले के ऊपर हमारे पास कैरी आ जाता है। अब हमने क्या करना है, पहले हमने 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम 8 को किससे करेंगे, स्टेप 2 पे 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 को 5 से, 8 5 द 40, 8 5 द क्या होता है 40, 40 ये हो गए और उसमें ये जो ऊपर कैरी लिया है इसको ऐड कर देंगे। 40 वो हो गए और जो कैरी लिया है उसको 40 में ऐड कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास 41। तो 40 प्लस 1 कितने होते हैं 41। तो यहाँ हमने क्या राइट करना है 41। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देना है।
दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना है। ज़ीरो तो ज़ीरो के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी ज़ीरो तो वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। ज़ीरो में अगर सिक्स को ऐड करें, किसी भी चीज़ को ज़ीरो में ऐड करें तो वो वैल्यू दोबारा वैसे ही आ जाती है। ज़ीरो में सिक्स को ऐड कर देंगे तो सिक्स ही आएगा हमारे पास। यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऊपर, तो वन वैसे का वैसे और फोर वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। ये है हमारा आंसर। अगेन आपको बता दूं, कि आपने क्या करना है। पहले ज़ीरो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं हमेशा, तो जो राइट साइड पे जो हमारे पास वैल्यू है पहले ज़ीरो आया, तो उसको हमने पहले फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, यानी टू से। फिर ज़ीरो को हमने फाइव से मल्टीप्लाई किया। ज़ीरो को टू से करेंगे तो ज़ीरो, ज़ीरो को फाइव से करेंगे तो ज़ीरो। अब ज़ीरो के अब हमने ये पहला डिजिट ख़त्म हो गया हमारे पास, अब हमने नेक्स्ट डिजिट लेके चलना है, नेक्स्ट एट। जी पहले वाली वैल्यू के नीचे हमने क्रॉस कर देना है। एट का अब हमने टेबल पढ़ना है, पहले हमने टू तक पढ़ना है, फिर हमने फाइव तक पढ़ना है। पहले हम टू तक फिर फाइव तक। अब एट टू द सिक्सटीन, एट टू द क्या होता है हमारे पास, सिक्सटीन। सिक्सटीन जब आता है, दो वैल्यूज आ जाए आ गई हैं, यानी वन और सिक्स है सिक्सटीन, तो उसका जो राइट साइड वाला पार्ट होता है वो नीचे राइट करते हैं, जो लेफ्ट साइड वाला होता है वो नेक्स्ट के ऊपर कैरी हो जाता है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ सिक्स नीचे राइट कर लिया है, वन ऊपर कैरी ले गए हैं। अगेन हमने एट का टेबल अब फाइव तक पढ़ा, तो एट फाइव तक फोर्टी आ गया। अब फोर्टी के अंदर ये जो कैरी ली है उसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, फोर्टी वन। हमने नीचे फोर्टी वन राइट कर दिया। अब हम दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, तो हमने ये ऐड करके आंसर राइट कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट है इसी तरह डाइन को अब हमने ज़ीरो से मल्टीप्लाई पहले करना है, नाइन थ्री ज़ीरो तो ज़ीरो। अब इसी तरह नाइन को हमने सेवन से मल्टीप्लाई किया, नाइन को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सिक्सटी थ्री। नाइन सेवन था सिक्सटी थ्री। नाइन सेवन था सिक्सटी थ्री। अब हम नाइन का टेबल हमने पढ़ लिया राइट साइड से, पहले नाइन का टेबल हमने पढ़ लिया। अब हम फाइव नेक्स्ट डिजिट पे आएंगे, फाइव है, फाइव का टेबल पहले ज़ीरो तक पढ़ना है, फिर फाइव का सेवन तक पढ़ना है। फाइव ज़ीरो तक अब पहले इसके नीचे क्रॉस कर देना है, पहले इसके नीचे क्रॉस कर देना है। फाइव ज़ीरो द ज़ीरो, फाइव सेवन द थर्टी फाइव। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड कर देना है। ज़ीरो वैसे के वैसे नीचे आ जाएगा, ज़ीरो थ्री में ज़ीरो को ऐड करेंगे, थ्री में ज़ीरो को ऐड करेंगे तो थ्री का थ्री ही नीचे आएगा हमारे पास। अब हम सिक्स में फाइव को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इलेवन। सिक्स में फाइव को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इलेवन। इलेवन का राइट साइड वाला नीचे आएगा जब और लेफ्ट साइड वाला नेक्स्ट के ऊपर कैरी हो जाएगा। अब थ्री और ये जो हमने कैरी लिया हुआ है, थ्री और ये जो कैरी लिया हुआ है हमने, थ्री और वन ऐड करें तो इन दोनों को क्या बनेगा, ये फोर हमारे पास। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है वन, पहले हम वन को लेके चलेंगे। वन का टेबल हम एट तक पढ़ेंगे, वन एट था एट, वन का एट तक पढ़ लिया, वन का हमने वन तक पढ़ना है। वन वन द वन, एट के नीचे क्रॉस। अब हमने नाइन का टेबल पढ़ना है एट तक, नाइन एट द सेवेंटी टू। नाइन एट द सेवेंटी टू है तो सेवेंटी टू का राइट डिजिट यानी टू है वो नीचे राइट करेंगे हम, और जो नेक्स्ट वाला लेफ्ट वाला डिजिट है वो नेक्स्ट के ऊपर चला जाएगा यहाँ पे कैरी। अब हमने क्या करना है कि नाइन का हमने वन तक टेबल पढ़ना है, नाइन वन था नाइन, नाइन वन था नाइन आ गया, और उसमें हमने ये जो कैरी आया है सेवन, इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा,
अगर उसको हम ऐड करेंगे 9 1 9 9 में हम 7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16। अब हमने ऐड करना है 8 8, वैसे का वैसे आ जाएगा हमारे पास 2 और 1 3 6 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है तो 6 वैसे आ जाएगा, और यहाँ 1 के ऊपर भी कोई वैल्यू नहीं तो 1 वैसे आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर है। पेज नंबर 79 और 80 पे जितने भी क्वेश्चन है बुक पे वो आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व करना है, और आप उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।